डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक दो पार्ट किए इस क्वेश्चन के, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट. देन वी हैव डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. नाउ आवर थर्ड पार्ट इज वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ. शेप ऑफ अर्थ का क्या फर्क पड़ता है वेरिएशन ऑफ जी पर, जी का वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है? एज वी नो, अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप. अर्थ जो है, इट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल इन शेप, इट इज ओवल शेप्ड. अर्थ इज ओवल शेप्ड, इट इज नॉट परफेक्टली स्फेयर. अगर ये ओवल शेप्ड है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. और ये होता है पोल. ठीक है बेटा, ये जो ये वाली ये रेडियस जो है, इस आर ई, इसको बोलते हैं, जिसको आप मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस. इक्वेटोरियल रेडियस. और ये होता है पोलर रेडियस. दिस इज पोलर रेडियस, आर पी. इन केस ऑफ अर्थ, इन केस ऑफ अर्थ, इक्वेटोरियल रेडियस, जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोलर रेडियस बाय 21 किलोमीटर. इन केस ऑफ अर्थ जो है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है, ये बड़ा है पोलर रेडियस से. कितना बेटा? 21 किलोमीटर. अब हम देखेंगे क्या फर्क पड़ता है वैल्यू ऑफ जी पर. वी नो द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, अगर हम इधर देख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एज द मास ऑफ अर्थ एंड जी इज टेकन एज कॉन्स्टेंट्स, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये तो आप लोगों ने देख लिया. अगर रेडियस ज्यादा होगा, जी कम. रेडियस कम तो जी ज्यादा. एज आर ई इज ग्रेटर देन आर पी. इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा तो जी कम, पोलर रेडियस कम तो वैल्यू ज्यादा. इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट जी पी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जो रेडियस ज्यादा, वैल्यू ऑफ जी कम. जो रेडियस कम, वैल्यू ऑफ जी ज्यादा. पोलर रेडियस इज लेसर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर. ठीक है, हेंस द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर. अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलते जाएंगे, द वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे, द वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. याद रखना, पोल्स पर वैल्यू जी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ द अर्थ. थैंक यू, हैव ए गुड डे.